6 महीने में कैट एग्जाम क्रैक हो सकता है क्या? सर पढ़ाई चालू करी है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पढ़ाई चालू करने का सोच रहे हैं बट आइडिया नहीं है कि आईएम्स क्रैक कर सकते हैं या फिर कोई एक टॉप नॉच नॉन आईएम क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो गाइस इन दिस वीडियो मैं एक डिटेल प्लान आपको बताऊंगा जहां पे हम बात करेंगे कि कितना पॉसिबल है, ये कितना डुएबल है कि जेन्युइनली अगले 6 साढ़े 6 महीने में आप इंडिया का एक टॉप 20 या टॉप 30 भी स्कूल आराम से क्रैक कर सकते हो जहां पे उसकी एवरेज पैकेज 22 से 23 लाख है। एंड अगेन दिस इज नॉट अ क्लिक बेट और अ फेक मोटिवेशन, दिस इज द रियल स्टफ। सो वीडियो में एंड तक बने रहो और आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ये प्लान आपको अचीव कैसे करना है। हाय गाइस, माय नेम इज केतन, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सीडीसी मेंटर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। देखो सिंपल सी बात है, पेपर पैटर्न चेंज होते रहता है बट इस बार पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा, वो 66 ही रहने वाला है। 24 क्वेश्चंस आपके वर्बल में आएंगे, डीएलआर में 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट में आपके 22 क्वेश्चन आएंगे, ये सेम रहने वाला है। ये जानना जरूरी इसलिए है बिकॉज जब आपको पेपर पैटर्न पता हो आप अच्छे से स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज होगा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है बाजू में, उसके लिए माफी इन एडवांस। आगे चलते हैं, टारगेट सेटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। यू नो बच्चे बहुत परेशान होकर बैठते हैं, इतना पोर्शन कैसे करेंगे, फिर क्या होगा, कैसे होगा, बिल्कुल भी नहीं। एक पेन और पेपर लेके बैठना, प्रूफ करके बताऊंगा कि आपको प्लान कैसे करना है। नंबर वन, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 80% लेके आते हो, ठीक है टारगेट तो नहीं करना है बट अगर लेके आते हो, ज़रूरी क्या है 80% के लिए, कितने स्कोर की रिक्वायरमेंट है? भाई साहब 20 से लेके 25% का पेपर अगर आप करते हो आप आराम से 80% हो। अब 80% में क्या मिलेगा? अब बच्चे कहते हैं सर 80 में तो क्या ही होगा। भाई साहब SC ST PWD IIM अहमदाबाद बैंगलोर कैलकटा पॉसिबल। बच्चे बैठे हैं, हाँ उनकी एकेडमिक्स काफ़ी अच्छी है, उनकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, सो वो गए हैं वहाँ पे, उन्होंने वो फोड़ा है, राइट। 80% पे अगर आप ओपन कैटेगरी हो आपको कुछ अच्छे नॉन आईएम्स भी मिल सकते हैं। आईएम अहमदाबाद उनका ओवरऑल कट ऑफ 80 है। मैं हर साल देखता हूँ 81-82% पे बच्चों को आईएम अहमदाबाद की कॉल आती है। ये स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं, यू नो ह्यूमैनिटीज़ हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इनका जो ग्रेजुएशन है इनको ये स्पेशल कैटेगरी में मानते हैं। सो आईएम अहमदाबाद के लिए पॉसिबल है, ठीक है। पर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम चलेंगे 90% के लिए जो एक बड़ा रिस्पेक्टेबल नंबर है। सो 90% लाइक 49 मार्क्स, 60 मार्क्स, 65 मार्क्स, ये अगर आप देखोगे, ये 2022, 2021 और 2020 का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये रियल नंबर्स है जो आपको रिपोर्ट कार्ड में दिखेंगे बच्चों के। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्टैटिस्टिक्स याद रखना, जस्ट 30% ऑफ द पेपर, नॉट इवन 1/3, 33.33 भी नहीं, जस्ट 30% ऑफ द पेपर एट न्यू आर 90% आइलम, ये चीज़ अपने दिमाग में रखना, ठीक है। सो एक 30% हो गया, अगर पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा तो 25% पे भी आ जाएगा। अब मगर मैं 90% के बारे में बात करता हूँ, 90% पे कैन यू कन्वर्ट एसपीजेन? अब बोले कि यार एसपीजेन तो पॉसिबली नहीं है यार। 88% पे महेश जो हमारा बच्चा है आज एसपीजेन में बैठा है, 89% में गुनीत करके हमारा जो बच्चा है वो एसपीजेन में बैठा है, इनकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी होती है इसलिए इनको कॉल आ जाती है और ये कन्वर्ट भी कर लेते हैं। सो 88-90 पे यू कैन स्टिल डू अ वेरी वेरी गुड जॉब। कॉलेजेस लाइक XIMB वगैरह 90% का उनका रिक्वायरमेंट है। 90% पे आपको BBIIMs आ सकते हैं, न्यू IIMs आ सकते हैं, इफ यू आर SC ST PWD ABC भी आ सकता है, लखनऊ कोई कोड इंदौर कन्वर्ट हो सकता है। 95% पे हमारे स्टूडेंट ने, एक बच्चे ने हमारे FMS कन्वर्ट करा है, राइट। अब आप कहोगे ठीक है मान लिया, वॉट अबाउट ओबीसी? हाँ ओबीसी तो नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ आपको ओबीसी के बारे में, ज्वेल करके मेरा एक बच्चा है, ही इज करंटली इन IIM बैंगलोर, अभी वो पास आउट भी हो चुका होगा मेरे ख्याल से, उसको IIM बैंगलोर 88% पे मिला यार, कैन यू बिलीव दैट? उसकी वीडियो है आप जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, ज्वेल कन्वर्टेड IIM बैंगलोर एट 88%। उसकी प्रोफाइल काफी अच्छी थी, उसकी एकेडमिक्स भी काफी ज्यादा अच्छी थी, एट ही वॉज ओबीसी कैंडिडेट। 97% पे अपर्णा ने एक्चुअल में IIM अहमदाबाद कन्वर्ट करा, गुड प्रोफाइल शी हैड। 92% पे सृष्टि कन्वर्टेड कपल ऑफ, लाइक सृष्टि मैम नहीं, लास्ट ईयर जो हमारी अनदर स्टूडेंट थी सृष्टि, शी कन्वर्टेड ओबीसी कैटेगरी से IIM कोईकोड, राइट। और जो हमारी सृष्टि मैम है जो हम आपको पढ़ाएंगे, राइट, शी कन्वर्टेड IIM कोईकोड एट 99th percentile, राइट। सो गाइस ये चीजें आपको जानना जरूरी है। सो इवन 90% कैन डू रियल वंडर्स फॉर यू। 95% अगर आप देखोगे जो रिक्वायरमेंट है 95% लाने के लिए, वो है भाई 40% ऑफ द पेपर, बकायदा बाइज अगर आप सही से करते हो तुम्हारा आराम से 95% बन जाएगा। अगर आप इंजीनियर हो, ओपन कैटेगरी हो, आपको न्यू IIMs BBIIMs आना चालू हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द अच्छा अच्छा कॉलेज आपको कॉल देना चालू करेगा यहाँ पे, नो डाउट अबाउट इट। हाँ थोड़ा बहुत प्रोफाइल भी आपको कंसिडर हो सकता है बट आप होप्स मत छोड़ना कि मुझे तो आएगा ही नहीं, मुझे 99 ही चाहिए। सी एवरीबडी डज नॉट नीड 99% टू गेट इन टू IIM अहमदाबाद बैंगलोर कैलकटा और MDI गुड़गांव ऑफ द वर्ल्ड और SPGENS ऑफ द वर्ल्ड, राइट। आपको आपकी कैटेगरीज जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो आज अगर आप बैठ के सोचते हो कि भाई मेरी कैटेगरी क्या है मुझे जानने दो, मेरी कैटेगरी तो यार 95% इज ऑल्सो मोर देन इनफ, देख यू आर देयर,
यू आर एक्चुअली गेटिंग इनटू इट. कॉल आने दो, कन्वर्जन इज माय गारंटी, आई विल कन्वर्ट. हमारा कन्वर्जन रेट इज राउंड अबाउट 95% यार, आई विल कन्वर्ट. इसमें अगर आप देखोगे मोर देन 2000 पीपल आर एक्चुअली ज्वाइनिंग आईएम्स. वी हैड मोर देन 2000 पीपल विद अस फॉर दी जीडीपीआई एंड दे विल बी ज्वाइनिंग. रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, हम उसको कम्युनिटी पोस्ट पे डालेंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स आल्सो. फाइन, आगे चलेंगे. 40% पे योर लाइफ इज गोइंग टू बी रियली रियली गुड. अब अचीव कैसे करेंगे ये पता चला, अब इसको अचीव कैसे करेंगे. नाउ हियर इज अ प्लान फॉर यू. मई जून जुलाई बकेट नंबर 1, अगस्त सितंबर अक्टूबर बकेट नंबर 2. पहले में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे काम करना है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स पे काम करना है. हमको लगता है अरे सर कैट ना बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, बेसिक बेसिक करके क्या ही होगा. और बच्चे क्या करते हैं ना, एकदम हाई लेवल पे पढ़ाई करना चालू कर जाते हैं. बहुत सारे जो क्लासेस है वो भी ये गलती करते हैं, वो एकदम हाई लेवल पे पढ़ाते हैं. कोई ज़रूरत नहीं है. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप मुझे चैलेंज कर सकते हो बिंदास, ठीक है. चलो अगर हम देखेंगे कैट 2022 क्वेश्चन आए थे क्वांट्स में, आउट ऑफ विच 6 क्वेश्चन, कोई भी 6 क्वेश्चन आप उठा लो, 22 में से 6 क्वेश्चन उठा लो आप बेसिक लेवल पे थे. कितना बेसिक था सर, 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स लगा, उससे ज़्यादा नहीं लगा. 11th, 12th तो टच भी नहीं करता कैट. 8, 9 और 10, 10वीं तक ही काफ़ी है. यू कुड हैव डन 6 क्वेश्चन आराम से. बट सर ये होते नहीं है. इसका जो वाई है ना वो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है. 2021 जाके देखो, 6-7 क्वेश्चन आराम से डुएबल. 2020 देखो, 6-7 क्वेश्चन आराम से डुएबल. ये कैट का पैटर्न है. ऐसा क्यों? बिकॉज याद रखो कैट इज़ अ वेरी मच स्टैंडर्ड एग्जाम. आईएम्स का एक प्रोटोकॉल है कि हम कैट को स्टैंडर्ड रखेंगे, ज़्यादा कैट के साथ हम प्ले अराउंड नहीं करेंगे. सो आपका पेपर पैटर्न भी ज़्यादा चेंज नहीं होता है अगर आप देखोगे तो. आई एम अहमदाबाद ने लास्ट ईयर सेट करा था, अभी वो सेम चलते रहेगा. लास्ट टू लास्ट ईयर था बाय द वे, अब वो सेम चलेगा अगले 5-6 साल के लिए. फाइन, सो दिस इज द रीज़न पेपर ऐसे बनता है, बिकॉज ये उनकी एक काइंड ऑफ एथॉस है या फिर उनका एक माइंड फ्रेम है. आगे चलेंगे, 6 क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हो. मई जून जुलाई में आपको बेसिक लेवल पे काम करना है. 40% ऑफ द कैट पेपर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डोमिनेटेड बाय बेसिक. 40% तक का पेपर आपका बेसिक लेवल पे ही आता है और आप वो आराम से कर सकते हो, देर इज नो डाउट अबाउट इट. सो मई महीने में आप क्या कर सकते हो सर, क्वांट्स के बारे में बता दो. चलो आप अरिथमेटिक करो, एल्जेब्रा करो, ज्योमेट्री करो, योर लाइफ इज गुड. अरिथमेटिक के आपके राउंड अबाउट 10-11 क्वेश्चन आते हैं हर साल. 35-40% पेपर आपका अरिथमेटिक का आता है. टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क, जो भी बच्चों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क आज करा है वो कहेंगे सर बहुत जान लेता है, नाक में दम करके रखा है सर, नहीं होता टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. छोड़ दे, लोड मत ले, फिर भी 6 क्वेश्चन कर सकता है. रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेजेस मिसेज एंड एलिगेशन एवरेजेस प्रॉफिट एंड लॉस SICM, फिर भी 6 क्वेश्चन बन जाएगा यार तेरे, क्यों लोड ले रहा है. फाइन, सो दिस 6 क्वेश्चन आर एब्सोल्युटली डूएबल इन द मंथ ऑफ मई जून जुलाई. आप अरिथमेटिक लो, आप एल्जेब्रा लो, ज्योमेट्री लो, बस उसकी बेसिक बिल्ड करो और अंडरस्टैंड करो आपको कौन सा अच्छा लेवल पे आता है. ये हो गया. अब DLR के बारे में बात करते हैं. अगर मैं DLR के बारे में बात करूं, दो चीज़ों का मेरा फोकस होगा. रादर अगले 3 महीने में, इफ़ यू गिव मी योर 3 मंथ्स, आई विल मेक श्योर दैट आप 90% के लिए एलिजिबल हो जाते हो. कैसे, अब सुन लो. हम अरेंजमेंट्स करेंगे, हम सेट थ्योरी करेंगे, हम कैलकुलेशन ओरिएंटेड DLR के सेट्स करेंगे. इसमें एक सेट पक्का आएगा. शैंकी सर आपको सेट थ्योरी पढ़ाएंगे, अरेंजमेंट पढ़ाएंगे. हर साल पिछले 4 साल से हमारा रिकॉर्ड है, जो भी हमारे हैंडआउट्स में हमने करा है वो कैट में आया ही आया है, उसी लेवल का आया है. जो फंडे हमने बताया उसी लेवल का आया है, नो डाउट अबाउट दैट. सो इफ यू डू 1 सेट ऑफ LRDI यू आर क्लोज टू 84-85%. हाँ, यू आर गुड नाउ. वन सेट इफ यू टेक, 40 मिनट लगता है सर कैट में, कि 40 मिनट का DLR आता है, 4 क्वेश्चन 40 मिनट, 1 क्वेश्चन 10 मिनट. क्या तू एक सेट नहीं कर सकता? क्या तू एक सेट नहीं कर सकता? आराम से कर सकता है. सो अगर तूने ये 6 क्वेश्चन करे क्वांट्स में, तुम क्लोज टू 90 हो. एक सेट करा तुमने तुम्हारे DLR में, तुम क्लोज टू 85 हो. और अगर वर्बल के लिए तुम करना चाहते हो, सो अगले 3 महीने में पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट, ये मुझ पे छोड़ दो. बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चे कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन द कंट्री फॉर वर्बल हो आप सर के, आप कहते हैं सर. बट ठीक है, आपका प्यार है, यू नो यू गिव मी ऑल दैट रिस्पेक्ट एंड ऑल दैट. बट मैं काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चलता हूँ यहाँ पे, काफ़ी शॉर्टकट्स एंड स्ट्रैटेजीज वगैरह चलता है. इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आया ना ढंग की, फिर भी आप फोड़ सकते हो, देर इज नो डाउट अबाउट इट. ठीक है, सो ये अगले 3 महीने में मेरा टारगेट होगा, मैं कवर करूँ 8 क्वेश्चन पे आप 80% शॉर्ट शॉर्ट हो. सो इफ़ यू आर सम, कहीं पे आप 90 हो, कहीं पे आप 85 हो, कहीं पे आप 80 हो, तुम्हारा ओवरऑल 88-90% तक टच करेगा आराम से. ये 3 महीने में आप कर सकते हो, बिकॉज मेरा टारगेट होगा 3 महीने में आपको मैं उतना एलिजिबल बना दूं कि आप 30% पेपर आराम से फोड़ सकते हो. इस तरीके से आप पूरा का पूरा आप टारगेट बेस करो.
अब पूरा सिलेबस मत देखो, अब स्टेप बाय स्टेप चलो, आगे चलेंगे। अगर आप देखेंगे जून महीना जुलाई महीना चला गया, हमने यही करा, अगस्त सितंबर और अक्टूबर में आपको बिल्टअप करना है, आपको एडवांस लेवल पे चलना है। ये बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बताते हैं, पर ये थोड़ा सा अवॉइड करो करना। मेरा फंडा ये है कि अगर मैंने मई महीने में और जून महीने में अरिथमेटिक करा, सो हमारा जो अरिथमेटिक अभी सीटूसी मेंटर्स में अगर आप देखोगे, राउंड अबाउट हमने 3 या 4 बार अरिथमेटिक करा है पुरानी बैच के लिए, जो नई बैच आएगी उसके लिए भी करेंगे। सो जून महीने के फर्स्ट वीक में हम उनका एडवांस लेवल लगा देंगे। सो आपको क्या करना है, जो आपने मई में पढ़ा या जून में पढ़ा उसका एडवांस आप जुलाई में उठाना चालू कर दो, ठीक है? तो क्या होगा, अरिथमेटिक का बेसिक हो रहा है, अरिथमेटिक का एडवांस हो रहा है साइड बाय साइड। सो आगे जाके अगस्त सितंबर अक्टूबर में आप बहुत ज़्यादा रिविजन कर सकते हो और उसके ऊपर अपनी एक्यूरेसी बिल्ड कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि मैंने मई महीने जून महीने में बेसिक करूंगा, अगस्त में मैं उसकी एडवांस लेवल करूंगा, तब तक आप भूल जाओगे। एंड ये भी चीज़ जानना जरूरी है कि सर मैंने एडवांस लेवल उठाया अरिथमेटिक का, फिर मुझे पता चला कि कुछ कुछ चीज़ें एडवांस लेवल पे जो मैं नहीं कर सकता, पर आपके पास टाइम है, आप अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने में आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। और जब भी आप इंप्रूव करोगे तब आपका स्कोर आराम से बढ़ेगा। फाइन, आगे चलेंगे। सेम चीज़ फॉर वर्बल आरसी भी आपको इसी तरीके से करने हैं। सो पहला बकेट होगा मेरा बेसिक बिल्डिंग, थोड़ा थोड़ा मैं एडवांस लेवल करूंगा। अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर में एक चीज़ करना, दैट्स कॉल्ड एज फेमिलियरिटी। बच्चों को नहीं पता होता कि सर मुझे क्या करना है, मुझे क्या छोड़ना है। हमारे बच्चों को हम ऑलरेडी बता दें कि भाई तुमको करना क्या है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में आप मॉक्स लगाओगे, आप एनालाइज करोगे, आप रिवाइज करोगे, आपके स्ट्रेंथ एरियाज आपको पता है, आपकी वीक एरियाज आपको पता है, एंड यू आर रेडी फॉर कैट। सो अगस्त सितंबर अक्टूबर अगेन पूरा पोर्शन करना जरूरी है? नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना जरूरी है? यस। क्या आपने वो मई जून जुलाई अगस्त तक करे? हाँ जी करे। सो गाइज, ये चीज़ें अगर आप करते हो तो आप गेम में बने रहोगे आराम से। और अगर आप इस तरीके से कैट को देखते हो, देन कैट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ डूएबल, इट इज़ पॉसिबल दैट यू कैन क्रैक इट, राइट? सो अगर हम चलेंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में, हमें वही करना है। अगस्त महीने में आपका फोकस होगा सेक्शनल मॉक्स में, ठीक है? सितंबर में आप करोगे फुल लेंथ मॉक्स और आप इसको एनालाइज करते रहोगे। अगर आप सी टू सी में हो, जो भी मैंने कहा था कि सर 5 से 6 क्वेश्चन भी हमारे नहीं बनते क्वांट्स में, वो क्यों नहीं बनते, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को सिलेबस ख़त्म करना होता है, वो लोग स्ट्रैटेजीज पे फोकस नहीं करते हैं। हम एट सी टू सी मेंटर, जहाँ तक वर्बल का सवाल है वो मैं पढ़ाता हूँ, जहाँ तक DLR और क्वांट्स का सवाल है, हम आपको हर एक क्वेश्चन पूरा का पूरा बता दें कि देखो कैट में प्रॉफिट एंड लॉस से ये टिपिकल क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको बस वही करना है। कैट में SICI इंटरेस्ट के ये टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, ये इजी है, ये लो हैंगिंग फ्रूट से, बस आपको ये करना है। ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल पे आते हैं, जैसे मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस बोला, ये आपको अवॉइड करना है। फिर आप देखो आपकी प्रिपरेशन अगर सही है, आप अवॉइड करो डिफिकल्ट लेवल, एटलीस्ट मुझे ईजी लेवल करके दो। सो क्वेश्चन को पिकअप कैसे करते हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, कौन से क्वेश्चन मेरा स्कोर ऑप्टिमाइज करेंगे, कौन से क्वेश्चन मेरा पेपर खराब कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी मेरा पेपर अटेम्प्ट करने की, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो यू डोंट हैव टू बी वेरी गुड एट क्वांट्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी, यू विल बी एबल टू डू इट। मेरे ख्याल से रिपीटर्स ये बात कनेक्ट कर पाएंगे। सो रिपीटर्स में मोस्टली जो बच्चे आज वापस रिपीट कर रहे हैं कैट, जिनका क्वांट्स अच्छा नहीं गया लास्ट ईयर, गलतियाँ क्या हुई थी, सर हमको लगा सामने वाला क्वेश्चन इंटरेस्ट का है, हमने उठा लिया, बाद में पता चला ये तो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का था, अगर उसको अवॉइड कर देते तो शायद से कैट क्लियर हो जाता। सो गाइस, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इस स्ट्रैटेजी पे फोकस नहीं रखते हैं, वो आपको बताते हैं आप ये करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, पर प्रैक्टिस करने के साथ अगर मेरे पास स्ट्रैटेजी हो तो मुझे DDA पे काम करता है, मुझे मॉक्स में काम करता है, ये चीज़ें सी2सी में आपको प्रोवाइड करी जाती है। एंड दैट इज द रीज़न थोड़ी सी यूनिक है। फाइन, सो दिस इज गोइंग टू बी योर एंटायर काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो आपका एक पूरा का पूरा आपका प्रिपरेशन प्लान होगा, जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करना है। अब मैं आपको एक फटाफट से एक चीज़ दिखाता हूँ, जो है हमारा पूरा का पूरा सेटअप। अगर आप कहोगे कि सर मैं कैसे करूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऑल दैट स्टफ, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन, बाय द वे आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी द स्क्रीन, मैं इसको अगर थोड़ा सा छोटा कर दूँ, आई होप नाउ यू कैन सी द स्क्रीन, रादर ये जूम है, तो आई क्विकली शेयर माई स्क्रीन विद यू गाइस, ठीक है? ये रहा अपना स्क्रीन, ये इतने रहे हमारे फैकल्टीज। आप बोलोगे ये कौन से फैकल्टीज है, अगर आप देखोगे शैंकी सर इज़ पूरा गॉड लेवल है, ये DLR का, ही बी टीचिंग यू DLR, ठीक है, 99% एवरी ईयर। गौरव सर ऑल इंडिया रैंक 1, रादर आप बोल सकते हो ऑल इंडिया टॉपर, 99.99 कैट 21, ही विल टीच यू DLR। मनोहर सर विल टीच यू DLR प्लस वर्बल अलॉन्ग विद मी। अर्पित सर आई एम कोई कोड इन्वेस्टमेंट बैंकर, ही विल ऑल्सो टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन DLR। सो ये फैकल्टी पूल है हमारा, इसके अलावा भी देर आर सर्टन फैकल्टीज विल बी टीचिंग यू। सो अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं, आई थिंक यू विल हैव अनदर फैकल्टी पूल, अगेन मोहित सर है, मोहित विल ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, आई कैन टीच यू DLR और प्रॉब्ली थोड़ा बहुत यू नो क्वांट्स। अनमोल इज ऑल्सो देयर, वो भी थोड़ा बहुत आपको स्नैप वगैरह के लिए हेल्प करेगा।
एंड रहा बात मेरा, सो आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. सो ये फैकल्टी पूल है जो आपको पढ़ाएगा. एंड अगर आप देखते हो इस तरीके से, अगर आप पढ़ाई करते हो आने वाले दिनों में, नॉन कैट के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओगे. बेसिक लेवल का स्नैप हो जाएगा, बेसिक लेवल से एनमैट हो जाएगा, बेसिक लेवल से जैड भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा. अक्टूबर में एनमैट है आपका, वो भी क्लियर हो जाएगा. सीमैट के लिए भी आप बेसिक लेवल पे चलोगे. सो भले आपको लगे कि यार ठीक है मेरा कैट ठीक ठाक गया, बट अगर मेरे को कैट में 90 आता है, कैन आई गेट 99+ इन स्नैप एग्जाम? एंड द आंसर इज येस, यू कैन आराम से गेट 99+ इन स्नैप एग्जाम. यू कैन स्कोर 240-250 इन एन मैट. आई हैव सीन पीपल जो बच्चों को राउंड अबाउट लेट से यू नो उनके कैट एग्जाम में 70-80% डालते हैं, वो स्नैप में 90+ जाते हैं, वो एन मैट में 240+ जाते हैं, एंड फाइनली दे मेक इट टू NMIIMS, राइट? सो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे, ये पॉसिबल है, ये डुएबल है. बट गेम में बने रहना एंड तक, डरना मत, गेम में बने रहना और टारगेट पकड़ के चलना. किसी ने बोल दिया 6-6-6 करो, 7-7-7 करो, सही बात है, गलत नहीं है, बट उसको करने का तरीका आपको आना चाहिए. जब वो पता चलेगा आप कर लोगे. वर्बल, DLR और क्वांट्स, तीन ही तो सब्जेक्ट है यार. हमने स्कूल में 10-10, 12-12 सब्जेक्ट्स करे हैं, ये तीन ही सब्जेक्ट्स हैं और पूरे के पूरे करने भी नहीं है, बस ध्यान दे के हमें करने हैं, एंड योर लाइफ इज गुड. सो एट C2C वी विल टेक केयर ऑफ दैट. मेरी नई बैच आ रही है नेक्स्ट वीक से, आप टीम से बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो. हमारे रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया है, हर साल 99% अगर हम प्रोड्यूस करते हैं. इस बार के टॉपर्स का भी मैंने आपको बता दिया. सो इफ यू वॉन्ट टू गेट मेंटर्ड बाई मी एंड इफ यू वॉन्ट टू क्रैक योर कैट, मोस्ट वेलकम टू जॉइन C2C मेंटर्स. देर इज वन प्रोग्राम जो हम लॉन्च कर रहे हैं, ओनली कैट. ओनली कैट का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है. प्राइजेस वगैरह पूछ लेना मेरी टीम से, एंड इट्स गोना बी रियली रियली गुड फन. ठीक है, विल मेक श्योर दैट यू क्रैक योर कैट. अगेन आपको मेहनत करनी है, नो डाउट अबाउट इट, बट एक जो अच्छी एडवाइस है, एक मोटिवेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक जो सही एडवाइस है, एक जो सही स्ट्रैटेजी है, वो आपको बताई जाएगी. आप कोई भी कैटेगरी के बच्चे रहो, एवरेज, बिलो एवरेज, अबव, जो भी है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी यू नो ऑनेस्ट इन योर प्रेपरेशन. बाकी मैं संभालूंगा, टेंशन ना लेना. ठीक है गाइज, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. टेक केयर, बाय.